जश्न नबी करेंगे बड़ी धूमधाम से। ये हमारे भाई बैठे हैं, इन्होंने महफिल सजाई है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल करे और सैयदजादे की आमद के सबसे ये महफिल इंशाअल्लाह मकबूल हो जाएगी। मैं ये मिसरे पढ़ने लगा हूँ, जितने आला हजरत के दीवाने जरा हाथों को उठा के बोले, एक बार कहे या रसूलल्लाह, जश्न नबी करेंगे बड़ी धूमधाम से, मतलब नहीं है हमको यजीदी निजाम से, मतलब नहीं है हमको यजीदी निजाम से, मतलब नहीं है हमको यजीदी निजाम से, तकलीफ जिसको हो इधर तो सलाम से, तकलीफ जिसको हो इधर तो सलाम से, तकलीफ उसको देके रजा के कलाम से, आला हजरत के दीवाने, 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 आला हजरत के। सुनकर रजा का जिक्र तलबगार हो गए, जो सो रहे थे नींद से बेदार हो गए, जो सो रहे थे नींद से बेदार हो गए, जब बात आ गई है नबी के पकार पर, जब बात आ गई है नबी के पकार पर, ये जान लुटा ले वो भी तैयार हो गए, आला हजरत के दीवाने, आला हजरत के दीवाने, आला हजरत के दीवाने, आला हजरत के, आला हजरत के, आला हजरत के, आला हजरत के दीवाने, आला हजरत के दीवाने। और जिस पर यूसुफ भाई कायम है और जिनकी पहचान भी यही है, मरकज मेरा बरेली है मेरी वफा के साथ। अब बरेली में रहने वाले अगर ना बोले तो हिंदुस्तान के कहीं के लोग ना बोले तो उन्हें खामोश रहने का हक है। मैं बरेली में, और ये शेर बरेली वालों के लिए बरेली के ताजदार की बारगाह में पढ़ रहा हूँ। देखता हूँ कि बरेली के लोग कैसे शेर सुनते हैं और नवाजते हैं। समाज करें, मरकज मेरा इधर, मरकज मेरा बरेली है मेरी वफा के साथ, बीमार चल रहे हैं मुकम्मल दवा के साथ, बीमार चल रहे हैं मुकम्मल दवा के साथ, बीमार चल रहे हैं मुकम्मल दवा के साथ, गुस्ताख देख लेंगे ये मैदान हश्र में, गुस्ताख देख लेंगे ये मैदान हश्र में, है कादरी फकीर रह गए के रसा के साथ, आला हजरत हजरत के। ये इनाम आप चाहे तो वापस ले जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मिलकर पढ़ें, आला हजरत के। ये पीछे वाले मेरे भाई अगर बोल दें तो मुझे यकीनन बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है। हाथों को उठा के, आला हजरत के, आला हजरत के दीवाने, आला हजरत के दीवाने। आला हजरत क्यों आए, कब आए, क्या जरूरत पड़ी, आला हजरत आए। मैं इसलिए पेश करता हूँ, आला हजरत के दीवाने, आला हजरत के दीवाने, चारों तरफ से कुफर के शोले उबल पड़े, करने लगे हुजूर पे हमले बड़े बड़े, कोई कहे हुजूर को अपनी
तरह बशर जिक्र नबी को गैर मोतबर कोई नबी के इल्म पे ताना जनी करे। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं उन्हीं के हवाले में करता हूँ। चारों तरफ सब सफर के शोले उबल पड़े करने लगे हुजूर पे गमले बड़े बड़े कोई कहे हुजूर को अपनी तरह बशर जिक्र नबी को कहे खैर मोतबर कोई नबी के इल्म पे ताना जनी करे कलमा पढ़े उन्हीं का उन्हीं को बुरा लगे तौहीन कर रही थी ये बात जमाते मखमूम हो रही थी दिलों की समाते आशिक नबी के लोग ये कहते थे बार बार कब आएगा हमारे अकीदों का पहरेदार कब आएगा हमारे अकीदों का पहरेदार दामों से मुस्तफा की हिफाजत करेगा कौन नजदी वहाबियों से मुकम्मल लड़ेगा कौन अल्लाह का करम हुआ वो जात आ गई हम सुनियों के वास्ते इमदाद आ गई बेटा नकी का बन के रजा आ गए सुविधी सोनियत के निगहबान आ गए बचपन से जिसने इश्क पढ़ा था हुजूर का जिस पर नशा चढ़ा था शराबे तुहूर का हर लफ्ज जिसका इश्क रसालत बाप है बगदाद वाले पीर का जो बाप है वो आ गया जो इश्क का मतलब बताएगा नजदीकी वहाबियों से अकीदा बचाएगा अहमद रजा के नाम से मशहूर होगा जो बारह रवाल पीर को मंजूर होगा जो बारह रवाल पीर को मंजूर होगा जो हम सब उसी के नाम का नारा लगाएंगे हम सब उसी के नाम का नारा लगाएंगे फटके आला हजरत के सारे लोग पढ़ लेते तो और खुशी होती आला हजरत के जिनको लग रहा है कि आला हजरत के शहर में रहते हैं आला हजरत का फैजान पा रहे हैं आला हजरत का सदका खा रहे हैं जरा वो मेरे साथ साथ पढ़ लें आला हजरत के आला हजरत के दीवाने दीवाने वादी रजा की कोगे घिमाला रजा का है जिसम तो देखिए वो इलाका रजा का है आला हजरत के फरमाइश जो है एक एक शेर सुन ले एक एक शेर